हामिद नवाज राजा उम्मीदवार सूबाई असेंबली पीपी 15 रावलपिंडी। तो सर आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर इस पार्टी का ये है कि 300 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन के लिए मुफ्त बिजली फराहम करेंगे और मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल जो है वो आधी कीमत पर, और डिस्पेंसरीज का क्याम, तलबा बुजुर्गों और ख्वातीन के लिए फ्री सफरी सहूलियात ये इंशाल्लाह फराहम की जाएंगी, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम आपको साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौक़ों पे बताते रहेंगे। अभी हमारे वो जब अवामी इज्तिमा शुरू होंगे तो उसमें मज़ीद तफसील के साथ हम सारा अपना मंशूर जो है वो बयान करेंगे, और इस तरह पम्फलेट भी हम तकसीम करेंगे और लोगों के घरों तक इंशाल्लाह उसको पहुँचाएँगे। तो सर जब अब आप इलेक्शन जीत कर आपने कौन कौन से तरक्याती काम करवाने अपने इलाके में? देखिए जी, तरक्याती काम जो भी इस इलाके के मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको तरजीह बुनियादों पे हल किया जाएगा। इसमें हर तरह के तरक्याती काम जो हैं वो शामिल हैं, जहाँ जहाँ पे हर इलाके की अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं और मुख्तलिफ मसाइल हैं। बहरहाल जो भी मसाइल होंगे इस इलाके के इंशाल्लाह उनको तरजीह बुनियादों पर पहले भी हल किया और इंशाल्लाह कामयाब हुए तो इसी तरह फिर अपना जो प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे हम। तो सर इस वक्त आपके हलके में आपके मद्दे मुकाबिल कौन है? मध्य मुकाबले फिलहाल तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपने कागजात वापस नहीं ले सके, लेकिन जो मैं समझता हूँ जो पार्टीज की तरफ से हैं उसमें नून लीग के भी हैं और पीटीआई के हैं, इन लोगों का हमारा मुकाबला जो है वो इनके साथ है। नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ और पीटीआई के जो हैं उनके साथ, इसी तरह वो तहरीक लबैक के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, और बाकी आज़ाद जो हैं वो काफ़ी लंबी लिस्ट है, इनका नाम यहाँ पे लेना बड़ा मुश्किल है। तो आप आवाम को क्या पैगाम देंगे इलेक्शन 2024 के लिए? आवाम के लिए हमारा पैगाम यही है कि ये सारी पार्टीज़ जो हैं उनको वो आजमा चुके हैं, ये जितने लोग अभी मैदान में हैं इन सबको आजमा चुके हैं, इनके जो लीडर हैं उनको भी आजमाया हुआ है, तो इसलिए हम ये पार्टी जो है नई इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए आई है कि मुल्क में एक इस्तेकाम पैदा किया जाए, जो मुल्क के माशी हालात हैं उनको दुरुस्त किया जाए, और जो एक बेयकीनी और अजीब सी महंगाई के चक्की में जो आवाम पिस रही है उन मसाइल से निकाला जाए। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि ये जो नई क़यादत है, नई पार्टी जो है, इस पर अपने एतमाद का इज़हार करें ताकि आप आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बेहतर नुमाइंदगी जो है वो ला सकें यहाँ पे। तो सर आपने कौन कौन से तरक्याती काम कराए जब आप नून लीग में थे, उनमें से कोई एक बता दें। जी, मैं नून लीग में नहीं था, मैं तहसील नाजिम रावलपिंडी था, और फिर मैं चेयरमैन आरडीए रहा और टाउन नाजिम रहा हूँ, और उस पर बेशुमार तरक्याती काम हुए जिसका यहाँ पे ना अगर जिक्र शुरू किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरा दिन हम लगे रहें तो वो काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। इस तरक्याती कामों का वो एक दौर था कि लोगों को आज भी याद है, और यही वजह है कि लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं और मैं खुद फिर मैदान में आऊं। हालांकि मैं सियासत से कुछ टाइम के लिए बिल्कुल किनारा कश हुआ था, लेकिन लोगों की ख्वाहिश पे मैंने दोबारा यहाँ अमली सियासत में हिस्सा लिया, और इंशाल्लाह कामयाबी के बाद जो सफ़र हमने शुरू किया था तरक्याती कामों का और जहाँ पे वो रुका था इसको इंशाल्लाह वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। उसमें मैंने मेरे दौर में मैं अब क्योंकि यहाँ से पीपी 15 से लड़ रहा तो मैं सिर्फ अपने आप को जो तरक्याती काम यहाँ पे करवाएँ उस तक महदूद रखूँगा। तो ये कलमा चौक जो है ये मेरे दौर में जब मैं तहसील नाजिम था उस वक्त मैंने बनाया था, हालांकि ये कैंटोनमेंट उस वक्त मेरे उसमें ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस चीज़ का एहसास था कि हमारे कैंटोनमेंट के लोग जो हैं, क्योंकि वो बलदियाती निज़ाम यहाँ पे नहीं था तो वो इन सारी चीज़ों से महरूम थे, उनके बेशुमार मसाइल थे, तो मुझे इस चीज़ का एहसास था जब मैंने ये फैसला किया कि अपने कैंटोनमेंट के जो हमारे भाई हैं जो आवाम है उसके लिए यहाँ पे काम किया जाए। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ पे ये कलमा चौक जो है इसकी वाइडनिंग की, इसकी रीमॉडलिंग की, और आज देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी वसी चौक बन चुका है। इसका नाम जो है पहले बकरा मंडी चौक होता था, मैंने ही इसका नाम तब्दील करके कलमा चौक इसका नाम रखा था, और मेरे ही दौर में उस वक्त जिस वक्त मैं चेयरमैन आरडीए भी था तो कलमा चौक से ले कर मसरियाल तक जो रोड की वाइडनिंग हुई है डोक सईदा रोड की, ये भी उसी दौर में हुई, और ये हमारा जैसी कलमा चौक से लेके बिस्किट फैक्ट्री चौक तक जो रोड की वाइडिंग हुई वो भी उसी दौर में हुई जिस वक्त मैं तहसील नाजिम था,
और हमारा जो अड्याला रोड है इसकी वाइडिंग जो है वो भी मेरे दौर में हुई। इस तरह कैंटोनमेंट के एरिया में मैंने बेशुमार काम कराए। वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पे दी गई ऑन रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्टेशन कमांडर साहब के साथ मिलके मैंने उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दिए और हमने मिलके यहाँ पे काम किया और जो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं।